हेलो। इस वीडियो में देखो, अपन देखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर और वोल्टमीटर, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस अमीटर का कितना होता है और वोल्टमीटर का कितना होता है। और देखेंगे किस लिए इसकी, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ एसएससी जेईई में, ठीक है, और दूसरे जो होते हैं उसमें भी आया हुआ एग्जाम्स में। ये देखिए, ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट हैज़ लोएस्ट रेजिस्टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं अमीटर की बात। अमीटर आप ये देखिए, सर्किट है, वोल्टेज लग रखा है और लोड लग रखा है। इस लोड में कितना करंट जा रहा है वो अपन को मेजर करना है। तो करंट अपन जानते हैं सीरीज में सेम होता है, ठीक है, इसीलिए क्या होता है अमीटर को लगाया जाता है सीरीज में, क्योंकि जो करंट इससे पास हो, जो अपन को मेजर करना है, वो पूरा का पूरा इससे होता हुआ गुजरे, और कोई रास्ता ना उसके ऊपर, और इससे होता हुआ गुजरेगा तो क्या अमीटर उस करंट को मेजर कर लेता है। इसलिए अमीटर हमेशा किस में लगता है, सीरीज में। अब दूसरी बात, रजिस्टेंस जो होता है वो अपोज करता है करंट को फ्लो करने में, और अपन ये नहीं चाहते कि ये सर्किट की कॉन्फिग्रेशन डिस्टर्ब हो और ये करंट जो है इंटरप्ट करे। इस अमीटर की वजह से इसमें कोई इंटरप्शन हो या इसको कोई रुकावट हो, इसलिए क्या करते हैं अपन, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू एज पॉसिबल मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं। मतलब जितनी हो सके उतनी मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं, और आइडियल अमीटर की तो जीरो ही होती है। कभी भी अपन से क्वेश्चन आए ना, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर, तो अपन का आंसर होता है जीरो, ठीक है। ये देखिए मैंने चीज़ लिख भी दी है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर इज जीरो, अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट, ठीक है ना। अगर रेजिस्टेंस होता तो ये ओपोज करने लगता, ठीक है, तो जो करंट है वो इतना नहीं हो पाता, इसकी तरफ पास नहीं हो पाता, इससे वोल्टेज ड्रॉप कर जाता तो इसके तरफ क्रॉस कम आता। अब देखो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, ठीक है। अब रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर में अपन को देखो, वोल्टमीटर को जहाँ जिसका भी अपन को वोल्टेज नापना होता है उसके पैरेलल में लगाते हैं अपन वोल्टमीटर, ठीक है। ये देखो अपने पास सर्किट है और अपन ने इस लोड के अक्रॉस अपन को वोल्टेज पता करना है कि कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, तो अपन को इसके अक्रॉस वोल्टेज नापना था, तो इस अपन ने इसके क्या करा, पैरेलल में लगाया वोल्टमीटर। अब देखो ये कनेक्शन है, ये लोड इसके साथ सीरीज में लग रखा है इस बैटरी के साथ। अब देखो करंट आएगा, ठीक है, यहाँ तक पहुँचा। अब करंट के पास यहाँ से दो रास्ते हैं, या तो वो इधर चला जाए इस वोल्टमीटर के अंदर, या फिर लोड में आ जाए, ठीक है। और अपन को क्या करवाना है, अपन को इस करंट को लोड से ही पास कराना है, अपन को वोल्टमीटर से थोड़ी ना पास कराना है। तो अपन क्या करते हैं, इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट कर देते हैं या फिर वेरी हाई कर देते हैं प्रैक्टिकल सिचुएशन में। तो होता क्या है कि करंट हमेशा वो वाला रास्ता चूज़ करता है जहाँ पे उसको कम ओपोजिशन मिलती है, ठीक है। तो इधर का लोड रेजिस्टेंस तो कम है, ठीक है, इसके मुकाबले तो कम ही है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस अपन ने क्या रखा है, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस अपन ओपन सर्किट की कंडीशन भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे करंट आएगा तो उसके पास दो रास्ते हैं, तो वो हमेशा करंट वाला रास्ता चुनता है जिसको जहाँ पे उसको कम ओपोजिशन मिले, तो वो इधर इधर की तरफ से फ्लो कर जाता है, ठीक है। और इससे फ्लो करेगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगी और वो अपन ये मेजर कर देते हैं। तो आइडियल अमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट। अब ये देखो क्वेश्चन आया भाई एसएससी जेईई में, विच इंस्ट्रूमेंट हैज़ लोएस्ट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो अपना आंसर अमीटर ही होना चाहिए, क्योंकि इसका जीरो होता है। वोल्टमीटर का अपन को पता है वेरी हाई होता है, ठीक है। दूसरा मैं फ्रीक्वेंसी मीटर का बता दूं कि ये भी अक्रॉस में लगता है, फ्रीक्वेंसी नापने का काम आता है, तो जिसके अक्रॉस फ्रीक्वेंसी नापनी ना उसके अक्रॉस में लगता है और अक्रॉस में लगता है, तो कहीं ना कहीं इसकी जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो अमीटर से तो ज़्यादा ही होता होगा, ठीक है। और मैगर क्या है, मैगर किस काम आता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस और वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो मेगा ओम के ऑर्डर की, वो नापने के काम आता है। तो इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ना वो ज़्यादा होता है। अब कितना ज़्यादा होता है कितना नहीं होता वो अपन को नहीं पता है कंपैरिजन में, लेकिन होता है, ठीक है ना, इससे तो ज़्यादा ही होता है मीटर से। तो ऐसे करके अपन को ये टिक लगाना है। बाकी इनका मैंने काफ़ी रिसर्च करी तो इतना देखा मिला नहीं है मैगर और फ्रिक्वेंसी मीटर। आपको बताओ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, बाकी मैं और वीडियो बनाऊँगा इस पर।